ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। আপনাদের জানিয়ে রাখি, শ্রীনগর বারামুলা হাইওয়েতে সেনার কনভয় হামলা, সোপরের কাছে টহলদারি কনভয় জঙ্গি হামলা, কনভয় জঙ্গি হামলায় আহত হয়েছেন এক জওয়ান। আরো একবার জানিয়ে রাখি আপনাদের, শ্রীনগর বারামুলা হাইওয়েতে সেনার কনভয় হামলা, সোপরের কাছে টহলদারি কনভয় জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটে, কনভয় জঙ্গি হামলায় আহত হয়েছেন এক জওয়ান। এ বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি আসিফ কুরেশির সঙ্গে। আসিফ, আভি তাজা জানকারি ক্যা মিল রহি হ্যায়? देखिए, अभी भी इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है। जिस जगह ये हमला हुआ, ये श्रीनगर बारामूला में हाईगाम इलाका है, जहां पे सेब के बगीचे में घने पेड़ों की आड़ से सुरक्षा बलों के कॉन्वॉय पर हमला किया गया था। ताबड़तोड़ कई राउंड गोलियां चलाई गई थी, जिसमें एक जवान के जख्मी होने की पुष्टि हो गई है। इसके तुरंत बाद इस पूरे हाईवे की घेराबंदी करके उस इलाके की तलाशी ली जा रही है जहां से ये फायरिंग हुई। हालांकि अभी तक किसी भी मिलिटेंट को या तो घेरे में नहीं लिया जा सका है, लेकिन सुरक्षा बलों का ये कहना है कि एक बड़े इलाके में घेराबंदी करके तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन चूंकि ये जो इलाका है काफी यहाँ पे घने सेब के बगीचे हैं, या इसीलिए तलाशी लेने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना है। लेकिन जवान के बारे में जो अच्छी बात यह है कि उसको उसकी हालत ठीक है, स्थिर है, और उसका इलाज जो है श्रीनगर के 92 बेस हॉस्पिटल में चल रहा है। पुलिस का ये कहना है कि चूंकि ये हमला काफी दूर से किया गया था और इस हमले में कम से कम 2 या 3 मिलिटेंट शामिल थे, इसीलिए इस इलाके की घेराबंदी करके तलाशी ली जा रही है। और 15 अगस्त होने के कारण पहले से ही सुरक्षा चाक का जो इंतजाम था चाकू चौबंद था, लेकिन घने पेड़ों की आड़ में ये किया गया हमला था, जिसमें दूर से फायरिंग करके एक जवान को तो जख्मी किया गया, लेकिन अब घेराबंदी करके यहाँ पे तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि मिलिटेंट्स को ढूंढा जा सके। जी अच्छा, आप ये बताइए, पुलवामा में जो एनकाउंटर हुआ है उसमें जो आतंकी की मौत हुआ है, वो मारे गए आतंकी के बारे में कोई जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, पुलिस ने साफ कर दिया है कि पुलवामा में जो आज सुबह मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सेना का एक जवान शहीद हुआ था, उसमें मारा गया मिलिटेंट जो है वो हिजबुल मुजाहिदीन का आजाद अहमद लोन उर्फ आजाद ललहार के तौर पर उसकी पहचान हुई है। वो पिछले कुछ समय से ही पुलवामा में सक्रिय था, इससे पहले गिरफ्तार भी हो चुका था जब वो OGW था, लेकिन अब एक बार फिर से वो आतंक के रास्ते पे चला था, लेकिन आज हुई मुठभेड़ में उसको सुरक्षा बलों ने मार गिराया। जी शुक्रिया आसिफ।